जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीकॉम पीएससी यूजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है बीए बीकॉम पीएससी की, लेकिन दोस्तों जब आप मेरिट लिस्ट आने के बाद में अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस सबमिट करते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हमसे पूछा जाता है, एक मेजर सब्जेक्ट पूछा जाता है, इसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट, एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बारे में हमसे पूछा जाता है। यानी कि वहाँ पर हमको सभी सब्जेक्ट हैं सेलेक्ट करने होते हैं। इनका क्या मतलब होता है, पूरी इंफॉर्मेशन को आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कि आपको सब्जेक्ट कहां पर सिलेक्ट करने होते हैं। देखिए, जब आप अपनी फीस को सबमिट करते हैं, ऑनलाइन फीस सबमिट करते हैं, तो दोस्तों यहां पर तो दोस्तों आपका सब विषय समूह दिया गया होता है कि आपने जो भी लिया होता है बीएससी बीकॉम जो भी आपका होता है, वहां पर विषय समूह दिया गया होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, ये हमारे तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं। तीन मेन सब्जेक्ट के यहां पर नाम दिए गए होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर एक मेजर सब्जेक्ट दिखाई देता है यहां पर आपको, जैसा कि मैं अलर्ट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक माइनर सब्जेक्ट आपको दिखाई देता है और एक ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट और वोकेशनल सब्जेक्ट। साथ ही हमको दोस्तों यहां पर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप आपको दिखाई देता है। अब दोस्तों इनका क्या मतलब होता है, देखिए दोस्तों आपको अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया गया है। कौन सी नीति लागू की गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया है इस बार, जो कि 2020 की लागू है, 2020 में बना दी गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको 2021 में इसको लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है दोस्तों, ग्रेजुएशन में क्या कहती है कि आपकी जो आपने जो लिया है, जो आपने ब्रांच लिया है, जो आपने कोर्स लिया है, यानी कि इन्होंने बीए लिया है, तो बीए में क्या होता है ना दोस्तों, तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि दोस्तों आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो कोर्स लिया है, उनमें दोस्तों तीन सब्जेक्ट मेन होते हैं। और तीन मेन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बीए में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनमें से हमको सिलेक्ट करना होता है, तो इन्होंने सिलेक्ट किया है इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर और सोशियोलॉजी। अगर आप दोस्तों हम बीएससी की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों पीसीएम होता है और एक पीसीबी होता है, एक इस तरह के हमारे होते हैं, तो ये मेन सब्जेक्ट हमारे होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मेन सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, उन मेन सब्जेक्ट में से आपके जो तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से आप दो को तो अपने ही ब्रांच का ले सकते हैं, यानी कि हम बीए के ही दो सब्जेक्ट ले सकते हैं। देखिए, हमारे बीए के हम दो सब्जेक्ट यहां पर ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमें जो एक सब्जेक्ट है ना दोस्तों, हमें जो एक सब्जेक्ट है वो किसी अदर ब्रांच से लेना है, यानी कि वो हमें अदर सब्जेक्ट बीएससी से लेना है, और जो दो सब्जेक्ट लेने हैं हमारे बीए के लेने, यानी कि देखिए यहाँ पर हमको क्या है, हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए यहाँ पर, ज़रा ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वो इकोनॉमिक्स किया है, इंग्लिश लिटरेचर किया है, सोशियोलॉजी किया है, ये तीन सब्जेक्ट हमारे बीए के हैं। लेकिन दोस्तों हमको इसमें से इंग्लिश लिटरेचर को हटाना है क्योंकि हमें पसंद का नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, बीए के हमारे यहाँ पर कितने सब्जेक्ट है, दो, तो दो हमने ले लिए, एक तो इकोनॉमिक्स ले लिया और एक हमने ले लिए सोशियोलॉजी। तो हमने क्या लिए, बीए के दो ले लिए। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको मैथ ज़्यादा पसंद है, हमको क्या ज़्यादा पसंद है, मैथ ज़्यादा पसंद है, तो हम क्या करेंगे, बीएससी का यहाँ पर एक सब्जेक्ट ले लेंगे मैथ। तो यहाँ पर अब कितने, तीन सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो आपको पता है कि तीन ही मेन सब्जेक्ट लेने होते हैं, जिसमें से दो हम अपनी ब्रांच से लेंगे, साथ ही एक जो सब्जेक्ट होता है किसी अदर ब्रांच से ले सकते हैं। जो हम अदर ब्रांच से सब्जेक्ट लेते हैं ना दोस्तों, उसे हम कहते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट। जो हम अदर ब्रांच से सब्जेक्ट को हटाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर दो मेन सब्जेक्ट हैं, एक तो इकोनॉमिक्स हो गया, एक सोशियोलॉजी हो गया, और यहाँ पर दोस्तों हमको इंग्लिश अच्छा नहीं लगता है, तो इंग्लिश को हटा के हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर मैथ ले लेंगे। तो दोस्तों जो हम मैथ ले रहे हैं ना, उसे हम ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मेजर सब्जेक्ट में आप जिसे भी मेजर बनाना चाहते हैं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसे बनाना चाहते हैं मेजर, तो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों आप सोशियोलॉजी को यहाँ पर माइनर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप माइनर सब्जेक्ट जो कि सिलेक्ट, आप मेजर और माइनर किसी को भी बना सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट से। तो मैंने आपको बताया था अभी कि ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए जो आप चेंजिंग करना चाहते हैं, नहीं अगर आप चेंजिंग नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स ले लीजिए, यहाँ पर दोस्तों सोशियोलॉजी ले लीजिए, यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश लिटरेचर ले लीजिए। अगर आपको इंग्लिश की जगह पर और किसी अदर सब्जेक्ट को लेना है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश की फुल फॉर्म बता देता हूँ,
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेजर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मेजर का होता है एक मुख्य विषय, एक मुख्य विषय होता है स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना है दोस्तों, मेजर का मतलब यहाँ पर एक मुख्य विषय होता है, और माइनर का विषय होता है मेजर से छोटा सब्जेक्ट, और ओपन इलेक्टिव का होता है दोस्तों, ओपन इलेक्टिव का मतलब होता है कि एक वैकल्पिक विषय, एक वैकल्पिक विषय होता है हम किसी अदर कोर्सेस को उठाकर अपने कोर्स में लगा सकते हैं एक वैकल्पिक के रूप में। अब दोस्तों इसके बाद में दोस्तों जो सब्जेक्ट बचे यहाँ पर क्या बचा, एक तो हमारा व्यवसायिक पाठ्यक्रम बचा और एक इंटर्नशिप बचा, यानी कि फील्ड प्रोजेक्ट अप्रेंटिसशिप, ये हमको वहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों वोकेशनल सब्जेक्ट, अब हमको यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट में दोस्तों आप कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट यहाँ पर क्यों लगाया गया है, देखिए दोस्तों वोकेशनल सब्जेक्ट इस बार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लगाया गया है, और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ, यानी कि जो उन्होंने कोर्स लिया है ग्रेजुएशन के साथ साथ, उनको अन्य किसी व्यवसाय का भी यहाँ पर लाभ दिया जा सके, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कोर्स कर रहे हैं, जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप किसी अदर चीज़ की भी यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं एक ही साथ में। तो दोस्तों इसीलिए दोस्तों एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम बनाया गया है, वोकेशनल कोर्स बनाया गया है, तो यहाँ पर वोकेशनल सब्जेक्ट में आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों वोकेशनल सब्जेक्ट में आप बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है वहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, जो भी आपको पसंद आता है वो यहाँ पर वहाँ जो कि सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो भी पसंद आता है वो वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोकेशनल सब्जेक्ट उच्च शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने हेतु व्यवसायिक एवं कौशल संबंध के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि व्यवसाय के बारे में बताना, यानी कि कोर्स के साथ साथ अदर चीज़ की जानकारी देना या रोजगार के समीप ले जाना स्टूडेंट्स को, वो व्यवसायिक पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद में दोस्तों हमको प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में आप क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फील्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप सिलेक्ट कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट कर सकते हैं, और सोशल एंगेजमेंट एंड सर्विस यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आप। अब दोस्तों फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्थल भ्रमण और अन्वेषण के आधार पर विषय का अध्ययन तथा अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करना, फील्ड प्रोजेक्ट यानी कि फील्ड पर जाकर के अपनी रिपोर्ट तैयार करना, आपको कॉलेज के द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी जाएगी, और आपको दोस्तों उस फील्ड पर जाकर के मान के चलिए कोई एक चीज़ बनाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, अब दोस्तों वो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों वो फील्ड पर जाकर के आपको पूरा तैयार करना होगा, उस फील्ड पर जाकर के आपको उसकी पूरी रिपोर्ट बनानी होगी, वहाँ पर क्या होता है किस तरह से होता है सारी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। अगर आप इस तरह का कर सकते हैं तो आपको फील्ड प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों आता है इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का आशय होता है किसी क्षेत्र या कैरियर से संबंधित, किसी क्षेत्र या कैरियर से संबंधित व्यवसाय वास्तविक तथा व्यवहारिक कार्य के अनुभव से है जो एक छात्र किसी संस्था या क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों इंटर्नशिप का आशय किसी क्षेत्र या कैरियर से है, यानी कि वहाँ पर एक व्यवहारिक कार्य के अनुभव से जो एक छात्र किसी संस्था या क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सकेगा, यानी कि दोस्तों इसका मतलब है आपको एक फैक्ट्री हो गई, एक कंपनी हो गई, ये मान के चलिए कंपनी हो गई, आप उस कंपनी में जाकर के क्या क्या वहाँ से अपने इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्या क्या वहाँ से आप सीख सकते हैं, या आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, यानी कि उस क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सके, जो भी जानकारी आप क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, कंपनी से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, वो फैक्ट्री से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं, वो इंटर्नशिप के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक अप्रेंटिसशिप भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत दोस्तों व्यापार या अन्य किसी पेशे के व्यवसायों के आधीन कला व्यापार तकनीक का अस्थाई ऑन द जॉब का प्रशिक्षण इनके अंतर्गत होगा, यानी कि दोस्तों जो शॉप्स होती हैं उन शॉप्स के व्यवसाय होते हैं उनके उन वो किस कला का यूज करके व्यापार करते हैं उस चीज़ को सीखना ऑन द जॉब उसको सीखना ये सभी चीज़ें आपको अपने प्रोजेक्ट में बनानी होंगी, वो अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक सोशल इंगेजमेंट एंड सर्विस है, तो और अगर आप सोशल इंगेजमेंट एंड सर्विस आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप समाज से जुड़कर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या समाज में बदलाव कर सकते हैं, ये आपको सोशल इंगेजमेंट एंड सर्विस के अंतर्गत आपको सिलेक्ट करना होगा अगर आप ये
ये सब चीज़ें कर सकते हैं जो आपसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पूरा क्लियर आपको समझा दिया कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो भी आपके डाउट हैं इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं। आप पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो ज्यादा ज्यादा कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो का ही पकड़ते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।